हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स एंड हैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिस्टल ग्लो स्किन वाइटनिंग सोप के बारे में रिव्यू दूंगी। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। आज मैं आपको क्रिस्टल ग्लो स्किन वाइटनिंग सोप के बारे में बता रही हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छा सोप है स्किन वाइटनिंग के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी क्रीम बताई थी, वह काफ़ी अच्छी स्किन वाइटनिंग क्रीम है, काफ़ी इफेक्टिव क्रीम है और यह सोप भी काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप कुछ दिनों में ही अपनी स्किन पर फर्क दिखाई देने लग जाएगा। फ्रेंड्स, यह टर्की का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, विदेशों के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं, यह भी विदेश का ही प्रोडक्ट है। इस सोप में बहुत सारे नेचुरल स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। इस सोप में कोजिक एसिड का यूज़ में लिया गया है, वह स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छा काम करता है कोजिक एसिड। और फ्रेंड्स, अल्फा ऑर्बिटिन का भी यूज़ में लिया गया है और ग्लूटाथियोन का भी यूज़ में लिया गया है, यह भी स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी फेमस इंग्रेडिएंट्स है। फ्रेंड्स, यह हमारी स्किन को वाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारी स्किन पर अगर टैनिंग हो गई है या डार्कनेस हो गई है ज़्यादा, तो वह रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, हमारी स्किन को वाइट बनाता है ग्लूटाथियोन। और फ्रेंड्स, इसमें विटामिन सी का भी यूज में लिया गया है। विटामिन सी तो मैंने बता ही चुकी हूँ कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वह भी स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारी स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स और स्पॉट्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, इस सोप में यह सभी का यूज़ में लिया गया है जो स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज़ में लिया गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सोप है, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस सोप में अल्फा लिकोरिक एसिड का यूज़ में लिया गया है, आलमंड ऑयल का यूज़ में लिया गया है और जोजोबा ऑयल का यूज़ में लिया गया है। और फ्रेंड्स, विटामिन ई का भी यूज़ में लिया गया है और कोकोनट ऑयल का भी यूज़ में लिया गया है। फ्रेंड्स, यह सभी ऑयल्स काफ़ी अच्छे होते हैं स्किन के लिए। फ्रेंड्स, विटामिन ई भी काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, हमारी स्किन की डार्कनेस को दूर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है विटामिन ई भी, वह भी इसमें यूज़ में लिया गया है। यह सभी इंग्रेडिएंट्स इस सॉप में यूज़ में लिए गए हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। यह सब ऑयल जो इसमें यूज़ में लिए गए हैं, यहाँ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे। फ्रेंड्स, अधिकतर सॉप ऐसे आते हैं कि स्किन को ड्राई बनाते हैं, जो हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज रहता है वो उसको ड्राई कर देते हैं, पर इस सॉप में यह सब ऑयल मिले हुए हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देंगे। काफ़ी अच्छा सॉप है यह, हमारी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा, मॉइस्चराइज भी करेगा और स्किन वाइटनिंग भी करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम स्किन पर सॉप यूज़ करते हैं तो हमारे स्किन पर एक्ने, पिंपल, ब्लैक कैट्स या अदर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यह सॉप काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो एक्ने, पिंपल, ब्लैक कैट्स या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रिस्टल ग्लो सॉप काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यह, इसकी क्रीम भी काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम इसकी क्रीम का भी रिव्यू दिया है पिछले वीडियो में, वह भी काफ़ी अच्छी क्रीम थी स्किन वाइटनिंग के लिए, काफ़ी अच्छी इफेक्टिव क्रीम थी और यह सोप भी काफ़ी अच्छा है, इफेक्टिव है। हमारी स्किन पर अगर रेडनेस आ जाती है तो रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है यह सोप। फ्रेंड्स, इसमें आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, ALA, विटामिन ई और कोकोनट ऑयल का यूज़ में लिया गया है ना फ्रेंड्स, तो यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हमारी स्किन पर अगर रेडनेस हो गई है या हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो उसे भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि इस सोप में इन सब ऑयल का यूज़ में लिया गया है जो हमारी स्किन पर से रेडनेस को रिमूव करेगा और हमारी स्किन पर अगर ड्राई हो गई है तो उसे भी रिमूव करेगा, हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज बनाए रखेगा यह सोप। फ्रेंड्स, यह काफ़ी अच्छा सोप है। फ्रेंड्स, इसे आप
फेस पे ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। काफी इफेक्टिव सोप है स्किन वाइटनिंग के लिए फ्रेंड्स यह। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस की बात करें तो 700 रुपीज इसकी प्राइस है फ्रेंड्स, आप इसे परचेस कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप इसकी सोप के साथ इसकी क्रीम का भी यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा, काफ़ी जल्दी इफेक्ट आएगा आपकी स्किन पर। तो हो सकता है अगर आप इसकी क्रीम भी साथ में यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको इस क्रिस्टल ग्लो सोप के बारे में बताया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपके साथ जुड़े रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।